नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। और जैसा कि आपको पता होगा कि मैं उन हॉलीवुड मूवीज़ का रिव्यू करता हूं जो हिंदी में डब होती हैं, तो आज मैं बात करने वाला हूं एक बेहद ही अजीब तरह की मूवी के बारे में। सोचिए क्या हो अगर इस दुनिया के सारे आदमी सच बोलने लगे। कोई भी आदमी किसी तरह का धोखा, चापलूसी या किसी तरह का बहाना ना बनाए। सारे लोग वही बोलें जो वो सोचते हैं, बीच में किसी तरह का फिल्टर ना हो। मान लीजिए कि कोई आदमी अपने बॉस को पसंद नहीं करता है, तो वो आदमी अपने बॉस को डायरेक्ट बोल दे, मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है, तुम भाड़ में जाओ। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते हैं। प्रमोशन पाने के लिए लोग अपनी बॉस की झूठी तारीफ और चापलूसी करते हैं। आजकल की दुनिया में लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वो अपना काम निकालने के लिए झूठ बोल दें कि मैं आपको पसंद करता हूँ। वैसे आजकल की दुनिया में झूठ बोलना बहुत जरूरी है। अगर आप झूठ नहीं बोलते तो आपका गुजारा नहीं होने वाला। ये दुनिया बहुत जालिम है। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्या यह स्पेशल है इस मूवी में जिसके लिए मैं इतना बकवास कर रहा हूँ। तो जारवी शुरू करो। तो आज मैं जिस मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ उसका नाम है द इन्वेंशन ऑफ लाइंग। ये साल 2009 में आई एक रोमांटिक मूवी थी जिसे डायरेक्ट किया था रिकी जर्वाइस ने। इस मूवी के लीड रोल में जेनिफर गार्नर एवं रिकी जर्वाइस नजर आए थे। इस मूवी की कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहाँ पर कोई भी आदमी झूठ नहीं बोलता है। यहाँ तक कि इस दुनिया के लोगों को ये भी पता नहीं है कि झूठ किस चिड़िया का नाम है। इस दुनिया में जब लोग किसी को पसंद नहीं करते हैं तो वो उसी के सामने बोल देते हैं कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि तुम्हारी शक्ल बंदर जैसी है। और अगर इस दुनिया में कोई किसी को पसंद करता है तो वो डायरेक्ट उसे बोल देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। लेकिन जब इस दुनिया का कोई ठरकी आदमी किसी लड़की को देखता है तो वो ये बोलता है, मैं आपकी मांग में सिंदूर भरना चाहता हूँ, मैं आपको लिप टू लिप किस करना चाहता हूँ। यानी कि इस दुनिया में सारे लोग सच बोलते हैं, झूठ का कोई नाम और निशान नहीं है। लेकिन इस मूवी में असली ट्विस्ट तब आता है जब मार्क नाम का आदमी पहली बार झूठ बोलता है। मार्क जब पहली बार झूठ बोलता है तो उसे बहुत फायदा होता है। उसे समझ में ये नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वैसे ऐसा होना लाजमी है क्योंकि मार्क की दुनिया में किसी आदमी ने भी अभी तक झूठ नहीं बोला था और ना ही झूठ के लिए कोई शब्द था। मार्क जिसकी लाइफ पहले पूरी तरह से झंड थी, उसकी लाइफ झूठ बोल बोल कर पॉपुलर हो जाती है। मार्क कुछ भी अनाप शनाप बक देता है और लोग उसे सच मान लेते हैं। मार्क कभी कभी बोल देता है कि मैं हवाई जहाज, साइकिल जैसे कई चीजों का आविष्कार कर चुका हूँ और लोग इस बात को भी मान लेते हैं। लोग ये मान लेते हैं कि मार्क ने हवाई जहाज और साइकिल का आविष्कार किया है। या अगर मार्क ये भी बोल देता कि मैं इंडिया का प्रधानमंत्री हूँ और सनी लियोनी मेरी गर्लफ्रेंड है तो लोग इस बात को भी सच मान लेते। इस मूवी की कहानी बेहद रोचक और दिलचस्प है, आपको पसंद आएगी। या अगर आप कुछ हटकर देखना चाहते हैं तो इस मूवी को मिस ना करें, ये एक अच्छी मूवी है। या अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करें। और अगर आप इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।